नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वाद से सर्दक। दोस्तों आज हम बनाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी, वो है निमोना। ये सर्दियों की खास रेसिपी है। इसे हरी मटर या हरे चने से बनाया जाता है। इसका स्वाद भी बहुत ही कमाल का होता है। निमोना हरी मटर या हरे चने को पीसकर बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले सामग्री देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आधा किलो मटर ली थी जिसे छील लिया है, 10 से 15 कली लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो टमाटर, थोड़ा सा धनिया, दो हरी मिर्च, दो मीडियम साइज़ के प्याज, दो मीडियम साइज़ के आलू। मसालों में है दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा और चार चम्मच तेल। सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हरी मटर को डालकर उसे दरदरा पीस लेंगे। देखिए मटर को हमने पीस लिया है, इससे बारीकी से नहीं पीसेंगे। अब इसे जार से बाहर निकाल लेंगे और इसी जार में टमाटर को काट कर डाल देंगे। अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे, उसमें चार चम्मच तेल डाल देंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डाल देंगे। अभी जीरा तड़कने लगा है, अब इसमें कटे हुए आलूओं को डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में इसे पलटते भी रहेंगे। देखिए दोस्तों आलू काफी हद तक पक गए हैं। अब इन्हें कढ़ाई के किनारे कर देंगे और बीच में कटे हुए प्याज को डालकर भुनेंगे। देखिए प्याज हल्की सी भुन गई है। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर को डालकर मिला देंगे। फिर इसमें टमाटर वाले पेस्ट को डालकर मिला देंगे। आलूओं को भी टमाटर के साथ मिलाकर भुनेंगे। इन सभी को तब तक भुनेंगे जब तक मसाले तेल ना छोड़ दें। देखिए दोस्तों मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें पिसी हुई हरी मटर को डालकर 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। मटर भी मसालों के साथ अच्छे से भुन गई है। अब इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। आप जितनी ग्रेवी रखनी चाहें उसके हिसाब से पानी डाल दें। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नमक हमने आलूओं को फ्राई करते हुए भी डाला था। अब इसमें गरम मसाला पाउडर को डाल देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तीन मिनट हो गए हैं। देखिए आलू एकदम पक गए हैं। सब्जी हमारी एकदम तैयार हो गई है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब निमोना बनकर तैयार हो गया है। इसे आप रोटी, नान, पराठा या चावल के साथ लंच या डिनर में खा सकते हैं। मैं तो इसे स्टीम्ड राइस के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप लोग भी इस मटर के निमोने को कम से कम एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। एक बार अगर आपने इस निमोने को खा लिया तो बार बार यही खाने का मन करेगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।